So, good evening, everyone. My name is Gunjan. I'm third year MBBS student at एम्स नागपुर. So, आज हम चैप्टर करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज फर्स्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शंस. वन सेकेंड. या केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन इज हॉर्मोन, देन न्यूरोट्रांसमीटर्स, देन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, देन लिम्फ. तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव बीन टोल्ड इन आर एनसीईआरटी बुक. तो सी ऑन द राइट साइड द एनसीईआरटी सी ऑन द राइट साइड फॉर द अंडरस्टैंडिंग द इमेज दैट आई हैव शोन हियर. This is the two nerves which has been shown. First is the presynaptic membrane here. I'll show you with the red pen the presynaptic membrane. This is the presynaptic membrane and this is the postsynaptic membrane. And in between it's the synaptic cleft which has been mentioned here. This is the synaptic cleft. Okay. So when a signal has to transmit from one neuron to second neuron, there should be a mediator to transfer the signal. And जो मीडिएटर का काम करता है वो होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स. न्यूरो ट्रांसमीटर्स की डेफिनेशन हमारे एनसीईआरटी में भी लिखी गई है. एंड जो मैंने नीचे ब्लू कलर से हाईलाइट करके आपको दिखाया है वही एनसीईआरटी में लिखा गया है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स. क्या होता है, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. तो ये मैसेजेस को कैरी करते हैं वन नर्व सेल से अक्रॉस अ स्पेस टू नेक्स्ट नर्व. मसल और ग्लैंड सेल्स ये मैसेजेस हेल्प करते हैं आपके लिम्स को मूव करने के लिए, सेंसेशंस को फील करने के लिए, आपके हर्ट को बीट करने के लिए. एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ही पहुंचाते हैं. तो जब हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर सारे ऑप्शंस को देखेंगे दोबारा एंड समझेंगे कि क्या ऑप्शंस यहाँ पे जा रहे हैं. तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, केमिकल्स पूछे हैं जो सैनैप्टिक जंक्शन पे रिलीज होते हैं. ठीक है, सैनैप्टिक जंक्शन की बात की गई है. फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स बट वी हैव रेड इन एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा था एंडोक्राइन वाले चैप्टर में कि हॉर्मोन्स तो ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वहां पे नर्व का कोई काम ही नहीं है. तो ये ऑप्शन तो पहले ही हमारे आंसर में से हट चुका है. सेकेंड ऑप्शन लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में मैंने अभी आपको डायग्राम की हेल्प से बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एक नर्व से दूसरे नर्व में जब जाता है सिग्नल को ट्रांसफर करने तो सैनाप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है, जिसको हम सैनाप्टिक जंक्शन भी बोल सकते हैं. और क्वेश्चन में वही पूछा है कि कौन से केमिकल रिलीज होते हैं सैनाप्टिक जंक्शन में. तो हमारा आंसर न्यूरोट्रांसमीटर हमें लग रहा है, पर आगे के हम ऑप्शंस भी सर्च करते हैं कि क्या दिया है. थर्ड ऑप्शन में दिखा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है CSF, ये हमने पढ़ा है कि ये हमारे ब्रेन के ड्यूरामेटर में प्रेजेंट होता है. ड्यूरा ब्रेन की जो एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नॉइड, उनके बीच की जो स्पेसेस होती हैं उन स्पेसेस में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तो इसका कोई भी केमिकल मीडिएट, केमिकल सैनेप्टिक जंक्शन इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ब्रेन की आउटर लेयर्स में होता है. तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑप्शन भी हमारा कट गया. एंड डी ऑप्शन लिखा है हमारा यहाँ पे लिम्फ. ठीक है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हमारे बॉडी के अंदर स्प्लीन जो है हमारा ऑर्गन है वहां से लिम्फ फ्लूइड है जो रिलीज होता है और वो लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर जाता है वहां से, और उसका भी अपने नर्व जंक्शन या फिर सिनैप्टिक जंक्शन से कोई भी मतलब नहीं है. तो इस सारे ऑप्शंस को अगर हम रिव्यू करें, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, CSF एंड लिम्फ, तो जो बेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है और आपको लगना चाहिए वो है न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. दैट्स वाई वी विल टेक न्यूरोट्रांसमीटर. और वो आप डायग्राम से यहाँ पे समझ ही गए होंगे जो मैंने आपको बताया कि ये एक नर्व है
और ये दूसरा नर्व है, और इन दोनों के बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है वो है न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो ब्लू कलर के आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये रिलीज होते हैं सिनेप्टिक जंक्शन में, इन्हीं को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये वो केमिकल हॉर्मोन्स होते हैं जो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं। ठीक है, बाकी भी यहाँ पे पार्ट्स हैं अपने सिनेप्टिक जंक्शन के, जैसे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो यहाँ पे पिंक कलर का मैंने दिखाया है। ठीक है, ये जो चैनल्स होते हैं ये कैल्शियम को अंदर से बाहर की ओर लेते बाहर से अंदर की ओर लेते हैं नर्व के अंदर, और एनर्जी एनर्जी जो है वो वहां से रिलीज होती है। फिर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स आपको यहाँ पे गोल गोल दिखा है, जिनके अंदर ब्लू कलर के ट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज हो जाते हैं और तब जाके वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर वहां से वो ये जो रिसेप्टर्स दिखाए ना ब्लू कलर के दूसरी नर्व पे, वहां पे वो केमिकल्स जाके अपना सिग्नल पहले देते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू, सीधे नहीं घुस जाएंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स पे जाएंगे, वहां पे सिग्नल देंगे और फिर आगे का सिग्नल एक्सोनल एक्सोन से आगे ट्रांसमिट होगा। तो ये पूरा फिनोमेना होता है नर्व अपना, जो नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं ना, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, उसका ये पूरा फिनोमेना होता है। ठीक है, तो ये आप समझने की एक चीज है, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये समझ लिया है। ओके, देन लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो देखो, हमारा जो नर्व होता है, दिस इज द नर्व का मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब भी रेस्ट होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। यहाँ पे टर्म यूज किया गया है रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब है जब इस नर्व को कोई भी स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, नो स्टिमुलस। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस इस नर्व को नहीं, इस नर्व की मेम्ब्रेन को अभी तक नहीं मिला है। दिस इज नर्व का मेम्ब्रेन, ठीक है, NM, तो इसको बोलेंगे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो खास बात होती है, दैट आई विल टीच यू क्या होता है इसमें। ओके, सो सपोज दिस इज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन एंड अभी इसको कोई सिग्नल नहीं मिला है बाहर से, तो बाहर के जो भी इसके ऊपर चार्जेस रहेंगे वो होंगे नेगेटिव। ओके, बाहर की तरफ, एंड नर्व मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ के चार्जेस होंगे पॉजिटिव, जब इसको कोई सिग्नल मिला नहीं है। इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड यहाँ पे चैनल्स होते हैं, जो लगातार लगातार अंदर से बाहर की तरफ सोडियम को फेंकते हैं। ठीक है, और बाहर से अंदर की तरफ पोटेशियम को लेते हैं। ओके, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ सोडियम ज्यादा है, ठीक है, सोडियम इज हायर इनसाइड, और बाहर की तरफ के प्लस इज मोर आउटसाइड। ठीक है, तो बाहर से के प्लस लगातार अंदर आता है एंड अंदर से बाहर लगातार सोडियम जाता है। तो ये एक फिनोमेना है जो इस चार्ज को, जो मैंने आपको येलो कलर से नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, इसको मेंटेन करके रखता है। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन से आयंस। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया, अंदर सोडियम जो है वो ज्यादा होता है और बाहर की तरफ के प्लस ज्यादा होता है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, और यहाँ पे ऑप्शंस आपको पहला ऑप्शन ही मिला है एन ए प्लस एंड के प्लस, विच इज द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस दिए हैं CO3+2, NCl- माइनस, विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। Ca+2, Mg+2 इज अगेन रॉन्ग, Ca+2 NCl- इज अगेन रॉन्ग। ठीक है,
इसका जिक्र कहीं भी टेक्स्ट बुक में आपके नहीं लिखा गया है, बस इसी का लिखा गया है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ओके चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अभी मैंने आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन का हल्का सा फिनोमेना समझाया था, अब हम इसे डिटेल में समझते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव सब कैसे मैनेज किया जाता है वो हम समझेंगे, एंड ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं। ओके तो आप राइट साइड में डायग्राम देखिए, जो मैंने डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लगाया है। इस डायग्राम में मैम्ब्रेन दिखाई है, विच इज बायलिपिड लेयर मैम्ब्रेन। ठीक है, इधर की तरफ ये लिपिड है, इधर की तरफ लिपिड है, इसको हम लिपिड बाय लेयर बोलते हैं। ऐसी मैम्ब्रेन हमारी नर्व मैम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड इस पे जो सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो भी आपको रेड कलर से दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा चैनल जो है वो सोडियम पोटेशियम गेटेड पंप है। ठीक है, तो होता क्या है, जब मैम्ब्रेन पे कोई स्टिमुलस नहीं आता है तो उसको हम रेस्टिंग मैम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। ठीक है, एंड अब इसमें हम बात करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा कि सोडियम और पोटेशियम की वजह से रेस्टिंग मैम्ब्रेन होती है, वो उसका नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है। इस वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे कि कैसे रहता है। ठीक है, तो मेंटेन कैसे किया जाता है, तो देखिए ये बायोलिपिड लेयर दे रखा है, अंदर इनसाइड दी सेल लिखा हुआ है हाई के प्लस है एंड लो एन ए प्लस है, आउटसाइड दी सेल लिखा हुआ है कि हाई एन ए प्लस है एंड लो के प्लस है। ठीक है, इट हैज मेंशन हियर डायग्राम में भी। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था इनसाइड एन ए प्लस ज्यादा होता है, लेकिन इनसाइड के प्लस ज्यादा होगा एंड एन ए प्लस आपका कम होगा, तो वो आप वहां से करेक्शंस कर लेना। ओके, इनसाइड यहाँ पे मैं आपको मॉडिफाई कर रही हूँ, इनसाइड एन ए प्लस कम होता है, के प्लस ज्यादा होता है, एंड आउटसाइड आपका के प्लस जो है वो कम होता है एंड एन ए प्लस ज्यादा होता है। ओके, तो इस डायग्राम को देखिए, अब इस डायग्राम में आउटसाइड दी सेल आपको दिख रखा है कि जो हाई है वो एन ए प्लस है, लो है वो के प्लस है। तो अब होगा क्या, लगातार लगातार अंदर से दो पोटेशियम आयन्स को बाहर की तरफ पंप किया जाएगा, लगातार बिना किसी स्टिमुलस के, टू पोटेशियम आयन्स पंप्ड इन। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ लिए जाएंगे दो पोटेशियम आयन्स, और लगातार थ्री सोडियम आयन्स को अंदर की तरफ से बाहर की ओर फेंका जाएगा उस पंप के हेल्प की से। ठीक है, तो अंदर से तीन एन ए प्लस इस पंप के हेल्प से लगातार बाहर जा रहे हैं। ओके, और दो के प्लस बाहर से लगातार अंदर आ रहे हैं। तो इससे होगा क्या, बाहर का जो है एन ए प्लस का अमाउंट वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हाई एन ए प्लस लिखा है एंड लो के प्लस लिखा है, और बाहर से लगातार के प्लस अंदर आ रहा है, तो अंदर का के प्लस का अमाउंट है वो आपका बढ़ जाएगा एंड लो एन ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ही आपका जो नेगेटिव चार्ज की बात की गई है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि अंदर आपका एन ए प्लस कम है और बाहर एन ए प्लस आपका ज्यादा है, एंड या इसी वजह से पूरा ये जो फिनोमेना हो रहा है ना कि टू पोटेशियम आयन्स अंदर लिए जा रहे हैं और थ्री सोडियम आयन्स बाहर फेंके जा रहे हैं, और ये होता कैसा है, विद द एक्सपेंड ऑफ 1 ATP। ठीक है, एनर्जी से ही होता है, एनर्जी आपको 1 ATP टूटता है उससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसकी हेल्प से ही होता है, एंड रिमेम्बर ये बिना किसी स्टिमुलस के लगातार सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे ही काम करता रहता है। ओके, आर यू गेटिंग मी, लगातार ऐसे ही सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। तो नीचे देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा गया है इसके बारे में, स्टेटमेंट में लिखा गया है कि दिस पंप इज एसेंशियल, ठीक है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, अगर ये पंप नहीं रहेगा तो ये पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और
जो भी हमारा नर्व का फंक्शन होता है वो सब हैम्पर होगा, सब में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए दिस पंप इज वेरी एसेंशियल। एंड ये पंप जो है इसको आयन पंप हम बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय, नाउ यू नो द आंसर, नाउ यू नो द आंसर, सो यू ओनली टेल मी व्हाट इज इट, हॉर्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, आयन पंप है, क्या है? ऑब्वियसली आयन पंप है, ठीक है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कैसे आयन पंप सोडियम और पोटेंशियम को मेंटेन करता है, और उस वजह से आपका जो पोटेंशियल है आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन का वो मेंटेन रहता है नेगेटिव में। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है द फंक्शन ऑफ आर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, हमारे विसरल ऑर्गन का फंक्शन कैसे कंट्रोल होता है। तो विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं सबसे पहले वो आपको समझने की जरूरत है, व्हाट आर विसरल ऑर्गन्स। देखो विसरल ऑर्गन्स कुछ भी नहीं है, विसरल ऑर्गन्स आर ऑल दोज इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हमारा हर्ट है, ठीक है, हर्ट है, हर्ट को हम ऐसे बनाते हैं, हमारी किडनीज है, ये बीन शेप्ड किडनीज, ओके, हमारा जो स्टमक है, हमारा लिवर है, ओके, लिवर, स्टमक, ये सारे जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन करते हैं और बॉडी को तंदुरुस्त रखते हैं, वो सारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो ब्लड पहुंचाएगा, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर फेंकेगा, जैसे किडनी है उसका काम है एक्सक्रीशन का, हार्ट का काम है सर्कुलेशन का, स्टमक का काम है डाइजेशन का, ठीक है, लिवर का काम भी बहुत डाइजेशन है और काफी और चीजों में भी होता है जो आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ोगे लिवर क्या क्या काम करता है। तो ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं इनका नाम होता है विसरल, विसरल का मतलब है अंदरूनी, हमारे जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो दीज आर विसरल ऑर्गन्स। अब जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको कोई ना कोई तो सिग्नल्स देगा ना, मतलब मैनेज कौन करेगा, ठीक है, ये हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, इनको ऑर्डर्स कौन देगा कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, तो जो मैनेज वाला पार्ट है वो कौन संभालता है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो विसरल ऑर्गन का जो मैनेजमेंट है ना वो हमारे ब्रेन के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, ब्रेन के थ्रू होता है, और ब्रेन के अंदर ना बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा न्यूरल वाला, ये न्यूरल वाला चैप्टर है, तो आपने एनसीईआरटी जब इस चैप्टर की पढ़ी होगी तो आपने ब्रेन के कॉम्पोनेंट्स भी पढ़े होंगे। तो वन ऑफ द कॉम्पोनेंट जो ब्रेन का होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक होता है, वॉलेंट्री होता है, ठीक है, ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं ब्रेन के जो सारे अपनी बॉडी का फंक्शन है ना उनको रेगुलेट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो वन ऑफ द सिस्टम इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ना दो पार्ट्स होते हैं बेटा, द फर्स्ट पार्ट इज सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, द सेकेंड पार्ट इज वॉट, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएस, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। तो वो दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना उनको लगातार सिग्नल देते रहते हैं कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो। सबसे पहली बात आपको समझना होगा ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमिक का मतलब आप ही बताओ क्या आप समझते हो, आपने ऑटोमेटिक वर्ड पढ़ा होगा, ऑटोमेटिक वर्ड से आप क्या समझते हो, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो अपने आप हो रही है ना, ऐसे ही आपने साइंस में बायोलॉजी के अंदर दो टर्म पढ़ी होगी, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। ओके वॉलेंट्री का मतलब होता है जो आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, जो कंट्रोल में है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं देती हूँ मिक्टुरेशन, मिक्टुरेशन इज एक्सक्रीशन ऑफ योर यूरिन, यूरिन पास करना बॉडी से, तो मिक्टुरेशन तो आपके कंट्रोल में है ना, तो दैट इज वॉलेंट्री एक्टिविटी। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है जैसे आपका हार्ट का बीट करना, हार्ट जो है उसका बीटिंग, तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो अपने हार्ट की बीटिंग, क्या आप हार्ट को बोल सकते हो कि अभी बीट कर और अभी बीट मत कर, नहीं बोल सकते ना, हार्ट तो 24 घंटे बीट करेगा, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री को जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को जो संभालता है
उसी का सिस्टम का नाम है आपका क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज को संभालेगा जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथैटिक। और जो हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, हर्ट, किडनी, स्टमक, लिवर, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो 24 घंटे अपने आप ऑटोमेटिक मोड पे काम करेगा। तो ऐसे याद कर लेना, ऑटोमेटिक मोड पे काम करेंगे सारे विसरल ऑर्गन, तो ऑटोमेटिक से आया कौन सा वर्ड, ऑटोनॉमिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक के दो कॉम्पोनेंट्स है, सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथेटिक, जो मैंने अंडरलाइन किए रेड रेड पेन से। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या आपको दिए गए हैं इधर, हाईलाइट करके दिखाती हूँ मैं आपको ऑप्शंस। फर्स्ट इज सिंपथैटिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, विच इज रॉन्ग। सोमैटिक वो होता है न्यूरल सिस्टम जो कंट्रोल उन चीजों को करता है जो हमारे भी कंट्रोल में होता है, जैसे मिक्टुरेशन का एग्जाम्पल मैंने आपके दिया। मिक्टुरेशन का मतलब है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो सोमैटिक वो होता है। एंड जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको बॉडी को रन करना है, वॉक करना है, तो वो सब आपके कंट्रोल में है ना, तो वो सब कंट्रोल किया जाता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स ऐसे नहीं है जिसको आप कंट्रोल करो, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया जिसमें सोमैटिक लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन दिया है सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड मैंने अभी बताया है पैरासिंपथैटिक एंड सिंपथैटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के पार्ट होते हैं, और यही जो हमारे विसरल ऑर्गन है, हमारा हार्ट है, हमारा किडनी है, हमारा लिवर है, इन सब के फंक्शन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं इनके फंक्शन, तो कौन कंट्रोल करेगा, ये सिस्टम कंट्रोल करेगा ब्रेन का। इसलिए सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथैटिक आपका सही आंसर है। बाकी का ऑप्शन दिया है सेंट्रल एंड सोमैटिक। अगेन सोमैटिक की बात की है, सोमैटिक वही करेगा जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे भागना, एक्सक्रीशन करना, एक्सरसाइज करना, तो वो गलत हो गया है। तो द राइट आंसर इज बी, विच इज सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथैटिक न्यूरल सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वील सी क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व। ये अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व अच्छे से चेक करना, क्या चीज इन्वॉल्व का पूछ रहे हैं और क्या नॉट। ठीक है, तो इसमें पूछा है क्या इन्वॉल्व नहीं है आपकी नी जर्क रिफ्लेक्स में। ओके, हम ऑप्शन पढ़ने से पहले ही पता लगा लेंगे कि क्या इन्वॉल्व नहीं है, तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होता है और कैसे होता है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि ऑप्शंस में क्या दिया गया है। तो देखो, नी जर्क रिफ्लेक्स क्या है, ये मान लो आपका घुटना है, घुटना होता है नी, ये आपका घुटना है नी। ठीक है, तो नी जर्क रिफ्लेक्स ना एक टेस्ट की तरह डॉक्टर्स करते हैं कि आपका जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मेनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको चेक करा जाता है नी जर्क रिफ्लेक्स के हेल्प से। तो ये आप आगे जाके जब आप डॉक्टर्स बनेंगे तब आप पढ़ोगे कि नी जर्क रिफ्लेक्स हम अपने मेडिकल प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो उसके डिटेल्स में मैं अभी ज्यादा जाऊंगी नहीं, बट अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होता है और कैसे होता है, जो आपके लेवल की चीजें हैं। तो ये देखो, ये आपका घुटना है जो मैंने यहाँ पे बनाया रेड कलर के पेन से, मान लीजिए ये घुटना है, और अभी मैं ऑरेंज कलर का पेन यूज करके आपको दिखाऊंगी कि इस घुटने पे आपने एक हथौड़ा, आपका हथौड़ा मतलब वैसा वाला हथौड़ा नहीं जिससे हम प्लम्बर काम करता है, कारपेंटर काम करता है, उस हथौड़े की नाम नहीं ले रही, एक हैमर ना हमारे डॉक्टर्स भी रखते हैं। आप जब भी किसी क्लिनिक पे जाते हो आप देखते होगे डॉक्टर्स के पास में हैमर होता है जो इधर उधर आपके एल्बो पे, नी पे, कोनियों पे, इधर उधर वो थोड़ा सा हिट करते हैं और देखते हैं कि आपका जॉइंट वगैरह सब बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक हैमर होता है हमारे पास डॉक्टर्स के पास जो हिट किया जाता है आपके घुटनों पे। ठीक है, और जब उसे हिट करते हैं तो अगर आपका घुटने का
नर्वस सिस्टम, मतलब वहां का आपका नर्व वगैरह सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो घुटना थोड़ा सा, ये जो अभी ऐसे है ना इस पोजीशन में, इससे थोड़ा सा आगे होगा और फिर दोबारे पीछे जाएगा, समझे आप? मतलब घुटना पहले थोड़ा सा आगे जाएगा एंड देन दोबारे थोड़ा सा पीछे जाएगा, मतलब हिलेगा, बेसिकली आगे और पीछे मूवमेंट होगी। अगर नर्व आपकी खराब है, ठीक है, आपको सिग्नल आपकी ब्रेन में जा नहीं रहे हैं हिट करने पे, तो वो घुटना स्टैटिक रहेगा, वो नहीं हिलेगा। इसी को हम रिफ्लेक्स बोलते हैं कि हमने कोई स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस क्या था इस केस में? स्टिमुलस था हैमर से हिट करना, वो स्टिमुलस दिया। और रिफ्लेक्स क्या होता है? उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स मिलना, ठीक है, हमने हिट किया, हमें रिस्पॉन्स मिला, नी हमारा आगे पीछे हुआ, इसको बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। आर यू गेटिंग मी? अब नी जर्क रिफ्लेक्स होता कैसे है? इसके पीछे का एक फिनोमेना है जो आपने एनसीईआरटी के बुक में भी पढ़ा होगा, ठीक है। हमारे सबसे पहले जब हम हिट करते हैं, जो स्टिमुलस होता है हमारा, वो हमारा स्पाइनल, जो स्पाइनल है, स्पाइनल ऑर्गन सिस्टम, वहां पे स्पाइनल में पहुंचता है। वहां से फिर मसल्स, जो ये तो सेंसरी न्यूरॉन है जो लेके जाएगा स्पाइनल तक, सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी न्यूरॉन वो लेके जाएगा। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है, ठीक है, ये लेके गया, और बीच में जो थे वो थे इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन होते हैं जो सेंसरी और मोटर को जोड़ते हैं, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स है वो सिग्नल बीच में ट्रांसमिट करेंगे, फिर इंटर न्यूरॉन्स के बाद ये सिग्नल जाएगा मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन से मसल स्पिंडल में जाएगा। मसल स्पिंडल क्या है? जहां पे हमारा जो मूवमेंट हुआ ना आगे पीछे, वो मसल की हेल्प से ही हुआ है। मसल, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जब आप लोकोमोशन वाला चैप्टर आप पढ़े होगे, तो वहां पे हमने देखा होगा कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तभी आपका ये जो मसल है उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, स्पास्टिक मूवमेंट, ये सब आपने पढ़ा होगा लोकोमोशन के चैप्टर में। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर इतना समझिए, पहले सेंसरी न्यूरॉन है वो इंटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को सिग्नल मिलेगा, फिर मसल स्पिंडल को सिग्नल मिलेगा, और मसल स्पिंडल के बाद जो ये मूवमेंट हुआ ना, जर्की मूवमेंट आगे और पीछे वाला नी का, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मसल के, तो मसल स्पिंडल वहां पे सिग्नल देता है उस चीज को, ठीक है। तो ये पूरा पाथवे होता है। तो अभी ये इरेज कर देती हूँ मैं, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं तुम्हारे नी जर्क रिफ्लेक्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मसल स्पिंडल, सेकेंड ऑप्शन है मोटर न्यूरोन, थर्ड ऑप्शन है ब्रेन, और फोर्थ ऑप्शन है इंटर न्यूरोन। तो अभी मैंने मसल स्पिंडल का नाम लिया, मोटर न्यूरॉन का नाम लिया, इंटर न्यूरॉन का नाम लिया, स्पाइनल का नाम लिया, मैंने क्या ब्रेन का नाम लिया? नहीं लिया ना, मतलब ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इस केस में राइट आंसर आप ही बताइए क्या होगा, बताइए। नी जर्क रिफ्लेक्स है, ठीक है, स्पाइन ऐड है उसमें, मसल स्पिंडल ऐड है आपका, मोटर न्यूरॉन भी काम कर रहा है, इंटर न्यूरॉन का काम कर रहा है, ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं आया बीच में, तो क्या चीज इन्वॉल्व नहीं है? ब्रेन। तो राइट आंसर इज सी, विच इज ब्रेन। ओके, आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको पूरा समझा दिया कि नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होता है, कैसे होता है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया है, लेकिन जितना आपके लेवल पे सीखना है उतना बता दिया है, तो इसको ध्यान रखना। देखो, जब भी मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ाती हूँ, मेरा सिर्फ आंसर लिखवाना मतलब नहीं है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझाने का मतलब होता है। तो जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, बस ये सोच के मत करो कि आपको आंसर रट लिया है और आपको आंसर आ गया है। हर एक क्वेश्चन के पीछे का फिनोमेना और पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन 10 बन जाएंगे। अगर एक कॉन्सेप्ट आ गया तो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके नीट के, ठीक है। तो जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उनको ढंग से समझो, ये मत सोचो कि एक एमसीक्यू पे इतना टाइम लग रहा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वही मैं चाहती हूँ। ओके, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, एन एरिया इन द ब्रेन व्हिच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस।
स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की गई है और ब्रेन का एरिया पूछा गया है, कौन सा एरिया है जहां से ये जो सारा सिग्नल आता है ना आपके इमोशन का, एंगर, गुस्सा आना, ठीक है, आपको सैड होना जब आप दुखी होते हो, वो आप हैप्पी होते हो, ठीक है, हैप्पी वाला इमोशन, सैड वाला इमोशन, एंगर वाला इमोशन, एंगर वाला इमोशन मैं ऐसे बना देती हूँ, एंगर वाला इमोशन, फ्रस्ट्रेशन जो आपको होती है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, ये सब स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। इन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में एक एरिया है तय, ठीक है, जो इसको कंट्रोल करेगा। तो उस एरिया का पूछा है कि वो कौन सा एरिया है बताओ, तो ऑप्शंस दिए हैं आपको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम एंड मेड्यूला। अब याद कीजिए आपने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था, सारे फंक्शन वन बाय वन हम याद करेंगे इन चारों के। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बस एक आंसर बता दूं कि ये आंसर है, ये करता है, नहीं, चार ऑप्शन दिए तो चारों के फंक्शन पता होने चाहिए कि चारों क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, पहले ऑप्शन को देखिए सबसे पहले और याद कीजिए क्या पढ़ा था सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए, ओके। तो देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है हमारा, ये अगर हमारा मान लो ब्रेन है तो ब्रेन का जो मेजर पार्ट है ना बाहर का, ये आगे का ये पूरा जो मेजर पार्ट आपको दिख रहा है, लाइक 80% पार्ट यू कैन से, दैट इज ऑल सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम इसको हम बोलते हैं। एंड बाहर आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, एंड जो सेरिब्रम होता है उसके बहुत, उसके दो पार्ट्स होते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला, क्या बोलेंगे, मेड्यूला बोलेंगे, और जो बाहर होता, ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ऑरेंज कलर से मैं आपको बाहर वाला दिखा देती हूँ, मान लो ये पूरा सेरिब्रम का बाहर वाला पार्ट है, ये पूरा बाहर वाला पार्ट है जो रेड को कवर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये होता है आपका कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हो गई लोकेशन सेरिब्रम की ब्रेन में, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होता है, देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सारे हायर फंक्शंस जो होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के होते हैं। हायर फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस की बात करूं मैं जो सेरिब्रम करता है, आपकी लर्निंग, ठीक है, आप कैसे कितना जल्दी लर्न करते हो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो देखेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आपका थॉट प्रोसेस, आप क्या सोचते हो, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे डिसीजन लेते हो लाइफ में, ठीक है, वो सब जो पार्ट है वो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो देखता है। ये फंक्शन जो हायर हायर फंक्शंस होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो देखता है। फिर सेरिब्रम, सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो सेरिबेलम क्या होता है, देखिए सेरिबेलम का पहले लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन क्या होता है, ठीक है, फिर फंक्शन देखेंगे। हाँ तो यहीं पे बना रही हूं मैं, ये आपका ब्रेन था, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं कि ये इंसान की नोज है, ये पूरा चेहरा है, तो ये ऊपर का ब्रेन मैंने आपको बना के दिखाया है। मैं डायग्राम्स मेरे अच्छे नहीं है इतने, बट आई होप आपको समझ आ जाएगा, ये आंखें हैं, ठीक है, ये इंसान का साइड व्यू है, साइड से इधर कान है, सॉरी, हाँ इधर कान है, ठीक है। तो दिस इज योर ब्रेन वाला पार्ट, ये पूरा जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसके बीच में मैंने बताया था कि मेड्यूला जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, अंदर, और बाहर ऑरेंज वाला पार्ट कॉर्टेक्स था, ये आपका सेरिब्रम था। लेकिन नीचे अगर आप देखो एकदम नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है इधर, उसको हम बोलते हैं क्या, सेरिबेलम, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलेंगे। एंड सेरिबेलम का फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या फंक्शन होता है सेरिबेलम का, मूवमेंट का फंक्शन होता है, मूवमेंट एंड बैलेंस, ठीक है, हमारी बॉडी में जब हम वॉक करते हैं, वॉक करते टाइम हमारा जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस और हमारा वॉकिंग स्टाइल, ठीक है, मूवमेंट करना, एक्सरसाइज करना, ये सब सेरिबेलम संभालता है, ठीक है, इमोशन से कोई लेना देना नहीं है इसका, मूवमेंट से है। थर्ड आते हैं हम लिम्बिक सिस्टम पे, तो दिस इज द ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं सीधे सीधे बता देती हूँ, लिम्बिक सिस्टम ही वही पार्ट है ब्रेन का जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है।
लिम्बिक सिस्टम जो है वो दो चीजों से बनके बनता है। लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट में एमिगडेला होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, ये आपने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी में। और भी कंपोनेंट होते हैं जैसे हाइपोथैलेमस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। तो ये सब जो कंपोनेंट हैं ये लिम्बिक सिस्टम के होते हैं। ओके, आई एम सॉरी, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे रखना चाहिए था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट मैं आपको बना के बताती हूँ अब डायग्राम। हालांकि मेरा इतना अच्छा नहीं है डायग्राम बनाना, लेकिन स्टिल मैं ऐसा बना दूंगी कि आपको समझ तो आ जाएगा एटलीस्ट। हमारा ब्रेन को जब हम काट के देखेंगे तो, अच्छा हाँ, इधर बना के दिखाती हूँ मैं आपको। राइट हैंड साइड में देखिए डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे खाली स्पेस है। अगर हम ब्रेन को काटे अंदर से, देखें कि अंदर ब्रेन के क्या है, ठीक है, अंदर ब्रेन के क्या है, तो यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक पर्टिकुलर एरिया आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना बेटा अंदर की तरफ, ये पूरा लिम्बिक सिस्टम को फॉर्म करेगा। लिम्बिक सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे एमिगडेला आलमंड शेप्ड, आलमंड आप खाते हो ना, बादाम, बादाम शेप का एक ऑर्गन होता है जिसको हम एमिगडेला बोलते हैं। आलमंड से एमिगडेला आप समझ सकते हो, ठीक है। एमिगडेला का जो फंक्शन होता है वो, जैसे बादाम क्यों खाते हैं हम, मेमोरी अच्छी करने के लिए खाते हैं ना, तो आलमंड शेप जो ऑर्गन है एमिगडेला, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पे हमारा होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस होता है। और हमारा आसपास का जो एरिया है, ये जिसकी कवरिंग होती है इधर रेड कलर से जो मैं कवर दिखा रही हूँ, ये का पूरा जो एरिया है ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब यहाँ पे होते हैं। हाइपो लिख रही हूँ मैं, हाइपोथैलेमस होता है ये पूरा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा एक सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। आर यू गेटिंग मी? दिस सिस्टम इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। और इसका जो रोल होता है वो यही होता है कि हमारे सारे इमोशंस वगैरह कंट्रोल करे ये। तो द राइट आंसर, यू आर गेटिंग मी कि क्या है इस केस में, राइट आंसर इज लिम्बिक सिस्टम ऑफ कोर्स, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, लिम्बिक सिस्टम, दिस इज फॉर द स्ट्रांग इमोशंस। पर लास्ट ऑप्शन भी हम देखते हैं कि लास्ट ऑप्शन क्या है। मेड्यूला, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेड्यूला क्या होता है, ठीक है। मेड्यूला वो कॉर्टेक्स के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। एंड मेड्यूला का वर्क क्या होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना रेड कलर का, दिस वन, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला। एंड मेड्यूला का वर्क होता है हमारा हार्ट बीट मेंटेन करना, हमारा रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ब्लड प्रेशर, ये सब मेड्यूला जो है वो कंट्रोल करता है। ओके, तो स्ट्रांग इमोशंस के लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम जो कंट्रोल करेगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द वाइटमिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन। रोडोप्सिन हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, जल्दी याद करो, रोडोप्सिन कहाँ पढ़ा था? रोडोप्सिन हमने आइज में पढ़ा था। ओके, राइट हैंड साइड में देखिए, हमने पूरी आई बोल पढ़ी थी, ठीक है, आई बोल पढ़ी थी हमने। आई बोल का पूरा एक डायग्राम है, देखो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। नीचे एक डायग्राम मैंने लगाया आई बोल का, ओके, ये रहा। तो ये हमारा पूरा आई बोल था जिसमें बाहर का लेयर कॉर्निया था जो आउटर मोस्ट था, ठीक है, देन अंदर की तरफ जो था सबसे, फिर बीच में हमारे और भी लेयर्स आए थे, पर्पल कलर्ड, ये सब लेयर्स आए थे। देन सबसे इनर मोस्ट लेयर था जहाँ पे हमारे सेंसिटिव नर्व्स थे सिग्नल को वो करने के लिए, लाइक देखने के लिए, विजिबिलिटी करने के लिए जो सिग्नल्स आ रहे थे बाहर से, जो लाइट आ रही थी उसको सेंस करने के लिए जो लेयर थी वो थी रेटिना, ठीक है। अब रेटिना जो थी वो, और यहाँ पे था लेंस, जो पीछे वाला चैम्बर था उसको विट्रस चैम्बर बोला था, वो विट्रस ह्यूमर से भरा हुआ था ये पूरा। एंड आगे वाला जो था वो था एक्वस चैम्बर, जो एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ था। ओके, तो ये सारे थे, और ये पीछे ब्लाइंड स्पॉट है। ओके, तो देखो जब भी कोई लाइट यहाँ पे एंटर करेगी ना, कोई भी लाइट, तो वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके एक्यूमुलेट होगी। उसे इस स्पॉट पे जाके लाइट आई और रेटिना पे जाके मिल गई, ठीक है। मैं बस लाइट का डायग्राम लिखाती हूँ आपको, सब इरेज करके कैसे लाइट आएगी और एक्यूमुलेट होगी।
ओके, तो देखो जैसे ऑरेंज कलर से लाइट आई यहाँ पे ऐसे और ऐसे, वो जाके अपने यहाँ पे इमेज बनाएगी रेटिना पे, एक्यूमुलेट कर जाएगी, ये लाइट गई है। फिजिक्स आपने पढ़ ली होगी अभी तक, ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, वहां पे भी सर पढ़ाए होंगे कि कैसे रेटिना पे इमेज बनता है, ऐसे जाके यहाँ पे एक इमेज बनेगा। लेकिन ये जो लाइट है उसको इमेज में ट्रांसमिट करना, हमें, हमारे पास तो सिग्नल आ रहा है लाइट का, अब हमें वो इमेज हमारे ब्रेन में बनानी है, ठीक है, तो वो जो लाइट के सिग्नल है उसको ब्रेन तक पहुंचाना पड़ेगा ना, ऐसे यहाँ ये ब्रेन तक जाएगा, लेकिन वो क्या लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा हमारे बॉडी के अंदर? मैंने आपको बताया था सिग्नल न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। किसके फॉर्म में ट्रेवल करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, एंड न्यूरो ट्रांसमीटर एक नर्व से दूसरे नर्व को पहुंचाने वाला सिग्नल ही है, ठीक है, एक नर्व से दूसरे नर्व को पहुंचाने वाला सिग्नल ही है। तो हमारे रेटिना पे ना कुछ सेल्स होती हैं, जैसे रोड एंड कॉर्न सेल्स हम इनको बोलते हैं, रोड्स एंड कॉर्न सेल्स, CON, रोड एंड कॉर्न्स, RHOD, रोड। तो ये जो रोड सेल्स हैं ये हमारे जो लाइट का सिग्नल है इसको लेगी और आगे इसको हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में चेंज कर देगी, नर्व सिग्नल में चेंज कर देगी, और ऐसे जो पूरा सिग्नल है वो हमारे ब्रेन में पहुंचेगा। समझ आया? ये बहुत ओवरव्यू मैंने ऊपर ऊपर से बताया है आपको कि रोडोप्सिन जो है, रोड जो सेल्स हैं वो क्या है। अब समझिए जो ये रोड सेल्स है ना, ये रोड सेल्स कुछ चीजों से मिलके बनती हैं, रोड सेल्स जिसमें एक कंपोनेंट इसका होता है रोडोप्सिन पिगमेंट, रोडोप्सिन पिगमेंट जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है, ये हमारे जो रोड सेल्स है उसका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को मेंटेन करती है, ठीक है। कौन सेल्स जो होती है ना CON, उसमें होता है कॉनोप्सिन जो हमारा कलर्ड इमेज को बनाती है, लेकिन रोड सेल्स होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट को बनाती है, ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, जो भी आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देखते हो, तो वो रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है वो रोड सेल्स में होता है। तो ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है ये किससे बनता है? ये वाइटमिन ए से बनता है, ओके, वाइटमिन ए जो होता है ना वो इस में हेल्प करता है, इसलिए आपको बोला जाता है बचपन से ही कि पालक खाए करो, आंखों की रोशनी तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि पालक के अंदर होता है बेटा विटामिन ए, विटामिन ए एंड प्रोटीन होता है पालक के अंदर, तो विटामिन ए जो है ना वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वो जाके रोडोप्सिन बनाएगा और रोडोप्सिन रोड सेल्स बनाती है और वहां से हमारी इमेज फॉर्मेशन ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए विटामिन ए जो है उसको बोला जाता है। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट भी लेते हैं विटामिन ए का जिनकी नजर कमजोर हो जाती है, तो वो आपको एक चीज है समझनी थी, वो मैंने आपको समझा दी है, तो आंसर आपको पता ही है इस क्वेश्चन का क्या है, सीधा सीधा सा आंसर है, क्या बना रहा है रोडोप्सिन को? विटामिन ए बना रहा है, ओके, टिक कर दो विटामिन ए पे, ठीक है, विटामिन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट एनक्लोजेस, दोबारे से ह्यूमन आईबॉल की बात की गई है, ओके, दोबारे से ह्यूमन आईबॉल की बात की गई है, हम दोबारे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, हाँ ओके, ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स हैं ह्यूमन आईबॉल पे वो पहले समझना है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ह्यूमन आईबॉल की 3 लेयर होती है, 3 लेयर का नाम नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन ने पूछा है कि 3 लेयर तो होती है, 3 लेयर के अंदर क्या होता है ये बताइए, समझे आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि ह्यूमन आईबॉल 3 लेयर से बनती है, पर ये जो 3 लेयर है ये क्या एनक्लोज करती है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके, तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन में लिखा है लेंस, आयरिस, ऑप्टिक नर्व, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन लिखा है लेंस, एक्वस चैम्बर, विट्रस ह्यूमर, थर्ड ऑप्शन लिखा है कॉर्निया, लेंस, आयरिस, फोर्थ ऑप्शन है कॉर्निया, लेंस, ऑप्टिक नर्व, ओके, तो लेट्स सी क्या क्या इंक्लूड होता है, दोबारे से डायग्राम पे ही जाते हैं और डायग्राम से ही समझते हैं। तो देखो
डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम में लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, लेयर्स क्या क्या होती है वो समझिए पहले। सबसे आउटर लेयर तो मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे आउटर लेयर बेटा आपका होता है कॉर्निया, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। सबसे इनर लेयर होता है रेटिना, बीच का जो लेयर है ना उसको बोलते हैं हम स्क्लेरा। क्या बोलेंगे? स्क्लेरा बोलेंगे, ओके, स्क्लेरा। तो ये जो तीन लेयर्स हैं, इन तीन लेयर्स की आपकी क्वेश्चन में बात हो गई, ये क्लियर हो गया कौन सी लेयर है। अब पूछा है कि इसके अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर आप देख लो क्या क्या है डायग्राम में, मैंने बना रखा है आपको, दिखाती हूँ मैं हाईलाइट करके। आपका एक्वस चैम्बर है, ओके, विट्रस चैम्बर है, आपका लेंस है, ये सारी चीजें हैं जो है वो ये तीन लेयर के अंदर है, इन तीन लेयर के बाहर नहीं है। ओके, ऑप्शंस में आपको ये तीन भी दिए हैं, लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर होगा, विट्रस चैम्बर के अंदर विट्रस ह्यूमर होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये भी सब भी दिया हुआ है, ऑप्टिक नर्व, ओके, आयरिस, ठीक है, आयरिस भी होता है। आयरिस क्या है, लेट मी शो यू हेयर। ये जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रही हूँ, दिस पर्टिकुलर पोर्शन हेयर जो लेंस के आगे है ना, इसको हम बोलते हैं आयरिस, ओके। लेकिन ऑप्टिक नर्व यहाँ कहीं नहीं है, ऑप्टिक नर्व जो है वो बाहर है, अंदर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है इसके एनक्लोजेस, इन लेयर के अंदर क्या है, तो ऑब्वियसली अब आपको आंसर समझ आ ही गया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ लीजिए, लेंस, आयरिस, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व तो बाहर है, दिस इज नॉट द राइट आंसर, रॉन्ग। सेकंड, लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, राइट, ये तीनों अंदर होते हैं। थर्ड इज कॉर्निया, लेंस, आयरिस। कॉर्निया खुद एक लेयर है, ओके, तो दिस इज रॉन्ग, कॉर्निया खुद एक लेयर है। कॉर्निया, लेंस, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व बाहर होता है एंड कॉर्निया एक लेयर है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल इज कॉल्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी में पढ़ा है, ईयर होता है, ईयर के अंदर ना वैक्स हमेशा रहती है, ठीक है। वैक्स क्यों रहती है, हमारे जो भी बाहर से डस्ट वगैरह है वो अंदर ना जाए, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ना जाए, ईयर से जो डस्ट है उसको रोकने के लिए हमारे ईयर का एक प्रोटेक्शन होता है, जिस जो होता है वैक्स सिक्रीशन। बेसिकली म्यूकस वगैरह ही है, सब मिला के वैक्स बनता है। ये क्या करता है ना, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स को ना अपने तरफ खींच के चिपका देता है, तो वो डस्ट पार्टिकल हमारे ईयर के अंदर नहीं जा पाते हैं, वो वही वैक्स के आसपास चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वैक्स है ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, देखो हर चीज में ना कॉन्सेप्ट समझना है आपको, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि वैक्स जो है सिक्रेटिंग ग्लैंड वो कौन सी है, बस इसमें नाम पूछा है। हमारे ईयर में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक है। ये जो ग्लैंड होती है ये हमारे वैक्स को सिक्रीट करता है, ओके, तो वही है जो वैक्स सिक्रीशन में काम आता है। ये तो मैंने आपको बता दिया होता क्या है, क्या करता है। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ऑप्शन में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है वो लिखा है स्वेट ग्लैंड, फर्स्ट लिखा है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के नाम से ही आपको समझ आ रहा है, स्वेट ग्लैंड कुछ भी नहीं है, स्वेट को प्रोड्यूस करेगी, ओके। एंड देन सेकेंड आ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट होता है, मेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट होती है, ओके। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का आपके ईयर से कोई लेना देना नहीं है, ओके। थर्ड इज कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड भी अगेन आपकी मेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट होता है, इसका भी आपके ईयर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कॉपर्स एंड प्रोस्टेट बोथ। लास्ट ऑप्शन इज सेरिमिनस, सेरिमिनस इज द करेक्ट ऑप्शन, आई जस्ट टोल्ड यू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन पूछता है, द पार्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज।
देखो इंटरनल ईयर का पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपकी नीट के लिए भी। एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ इंटरनल ईयर, ठीक है। वैसे तो इंटरनल ईयर के जो पार्ट्स होते हैं वो कोक्लिया के अलावा भी होते हैं, आप बताइए क्या होते हैं, आपने पढ़ा है चैप्टर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल ईयर के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर आपका वेस्टिबुलर एपरेटस आएगा पूरा, ठीक है, आपका सैक्युलम आएगा, ट्रिकल आएगा, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर डक्ट, सब आएगा, ये आपने पढ़ा होगा, ये सारे नाम आपने पढ़े होंगे, ये बस मैं रिपीट कर रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद आपका ऑट्रिकल होता है, सैक्यूल होता है, कॉक्लिया होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका इंटरनल ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, और ऑप्शंस दिए हैं वही सब, सैक्यूलस, अट्रिकल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया, चारों दिए हैं, चारों ही इंटरनल और ईयर को बनाता है, ठीक है। लेकिन इनमें से हियरिंग में क्या रिस्पॉन्सिबल है वो हमें पढ़ना है। बैलेंसिंग भी इंटरनल ईयर करता है आपका, जो भी आप बैलेंस कर पाते हो ना, एक हाइट पे जाके गिरते नहीं हो, एक बड़ी हाइट पे खड़े हो गए तो वो सब पूरा बैलेंस वाला जो पार्ट है वो आपका इंटरनल ईयर। आपने महसूस किया होगा जब भी आप थोड़ी सी ऊपर हाइट पे जाते हो आपके कान में प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, आपको दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को रोकने के लिए, उस बैलेंस को करने के लिए हमारा इंटरनल ईयर का ये पूरा अट्रिकल सैक्युलस ये सब काम में आता है, ओके। लेकिन हियरिंग वाला जो पार्ट है ना वो एक ही करता है, वो है आपका कोक्लिया, और उसकी जो इमेज है दैट इज उसमें जो फंक्शनल पार्ट है वो है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो आपके कोक्लिया में होता है, जहाँ पे सारे के सारे नर्व सिग्नल्स आते हैं और आपका हियरिंग वगैरह सब मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं ये, तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ, ओके। हाँ तो देखिए इस डायग्राम के अंदर आपका जो इंटरनल ईयर है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट जो बाहर का पार्ट है सबसे ऊपर वाला, वो है स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, बीच का पार्ट है स्केला मीडिया, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो है स्केला टेम्पनाई। ये सब जो डिवाइड हुआ है ना बोन्स की हेल्प से डिवाइड हुआ है, मतलब यहाँ पे एक बोन है, ठीक है, यहाँ पे एक बोन है, जो ये सबको डिवाइड किया जा रहा है। बाहर स्केला वेस्टिबुलाई है, ठीक है, ये पूरा जो स्केला टेम्पनाई है वो खुद एक बोन है, और जो स्केला वेस्टिबुला है वो खुद एक बोन है, और बीच का जो पार्ट बच गया जहाँ पे आपके छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो स्केला मीडिया है। ये पूरा आपका कोक्लिया वाला पार्ट है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ओके। कोक्लिया जो है वो हियरिंग में हेल्प करेगा। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं ना बेटा अलग से, जैसे आपको ये अट्रिकल दिया है, सैक्यूलस दिया है, सेमी सर्कुलर कैनाल दिया है, इनका हियरिंग में कोई रोल नहीं है, इनका है काम किस में, बैलेंस में। अभी थोड़ी देर पहले पूरा समझाया था आपको, लिख के बता देती हूँ जैसे आपको याद रहे, ये पूरा बैलेंस का काम करता है, हियरिंग का काम करता है कोक्लिया। तो आंसर तो क्लियर है कि कोक्लिया है, ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि क्या मैकेनिज्म क्या है हियरिंग का, बस आंसर नहीं देखना है, आंसर तो सीधा सीधा है रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज कोक्लिया। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में देखो हमारे बाहर से हियरिंग के सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, हियरिंग के जब सिग्नल्स आएंगे तो ये जो यहाँ पे लिखी हुई है चीज रीजनर्स मैम्ब्रेन है, ये जो ऊपर वाली है रीजनर्स मैम्ब्रेन है, और जो नीचे वाली है वो है बेसिलर्स मैम्ब्रेन। जब भी कोई वाइब्रेटरी सिग्नल किस फॉर्म में आएगा, वो सुनने वाला, वो आएगा वाइब्रेशन के फॉर्म में, वाइब्रेशन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन आएगी ना इससे ये पूरी की पूरी बेसिलर मैम्ब्रेन हिल जाएगी, और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जब ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है, ठीक है, जब वो आया पूरा आपका वाइब्रेशन आया, बेसिलर मेम्ब्रेन हिली, तो ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, इसमें हेयर सेल्स होती हैं, ये सारी जो ऊपर बीच में दिखा रखी है कॉन्टेक्ट में हेयर सेल है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को कर जाएगी टच, और जैसे ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करेगी
जैसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और आपका ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इनका कांटेक्ट होगा, ठीक है, रेड पेन से दिखाते हैं, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और आपका ऑर्गन ऑफ कॉन्टैक्ट का जैसे ही कॉन्टैक्ट होगा तो सिग्नल जनरेट होगा और वो सिग्नल आपका कोक्लियर नर्व फाइबर से ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा और ये कोक्लियर नर्व फाइबर से ट्रांसमिट हो जाएगा। ये नर्व फाइबर जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेंगी। अगेन न्यूरो ट्रांसमीटर की बात हमेशा आएगी जब भी आप नर्व वाला चैप्टर पढ़ोगे, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर ब्रेन को जाएंगे, ठीक है, ब्रेन को जाएंगे, और ब्रेन में जाके जो भी आपके पर्टिकुलर ऑर्गन है जो आपको हियरिंग में असेस करेगा, वहां पे जाके ये ब्रेन में सिग्नल दे देंगे और वहां से फिर आपको सुनाई पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है, समझा? तो ऐसे ये पूरा फंक्शन होता है आपके हियरिंग का। तो इसलिए कोक्लिया जो है उसका ही रोल है, ये पूरा कोक्लिया है जो डायग्राम आपको बना के दिया है, ये पूरा कोक्लिया का डायग्राम है जिसमें इसके पार्ट्स होते हैं। दोबारा रिपीट करो, स्केला वेस्टिबुला है, स्केला टिम्पना है, स्केला मीडिया। स्केला मीडिया के अंदर होता है बेसलियर मैम्ब्रेन, टेक्टोरियल मैम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। मेन फंक्शनल ऑर्गन जो आपकी हियरिंग में असेस करेगा वो है आपका क्या, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है, वो मेन है जो हियरिंग में असेस करेगा। लैंग्वेज में देख लो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लैंग्वेज में लिखा है द कोक्लिया इज अ स्नेल शेप्ड बोनी स्ट्रक्चर इन द इंटरनल ईयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हियरिंग। स्नेल शेप्ड ही है नीचे जो दिखाया है पूरा, ठीक है। स्नेल का क्या मतलब है, स्नेल मतलब लंबा सा स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है। स्केला वेस्टिबुला एक बोन है, स्केला टिम्पना एक बोन है, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो बीच में फंसा हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें हेयर नर्व सेल्स हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई है, टेक्टोरियल मैम्ब्रेन है, ठीक है, आपका ये कोक्लियर नर्व फाइबर्स है, ये पूरा कोक्लिया बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से ये क्लियर हुआ कि कैसे सुनते हैं, ठीक है, बिकॉज समझना इज इम्पोर्टेंट। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज ये पढ़ते हैं। द ऑर्गन ऑफ कोटा इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, अभी जब देखो एक मैंने बोला ना, एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट समझा ना आपने, उसी में से दूसरा क्वेश्चन देखो निकल के आ गया। पहले क्वेश्चन के लिए हमने 10 क्वेश्चन के लिए पूरा ये डायग्राम समझा था, पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन आ गया है कि ऑर्गन ऑफ कोटा इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। अब ऑब्वियसली ऑर्गन ऑफ कोटा है, मैंने अभी आपको बताया कोक्लिया के अंदर होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, कोक्लिया के अंदर होता है। कोक्लिया किस में होता है, कोक्लिया इंटरनल ईयर में होता है। तो ऑप्शन देखो क्या दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड ऑप्शन दिया है मिडल ईयर, रॉन्ग रॉन्ग, इंटरनल ईयर इज द आंसर। थर्ड ऑप्शन दिया सेमी सर्कल कैनाल, ओके सेमी सर्कल कैनाल जो है वो आपके इंटरनल ईयर में है, लेकिन ऑर्गन ऑफ कोटा है तो हमने कोक्लिया में ही पढ़ा है, तो ये तो दोबारे गलत। और लास्ट ऑप्शन देखो कोक्लिया ही लिखा होगा, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन नीचे करके जाते हैं, ये रहा लास्ट ऑप्शन, कोक्लिया लिखा है, दिस इज द राइट आंसर, कोक्लिया, ठीक है। तो ये सब है, अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके यहाँ तक हमने कर लिया है अपना एमसीक्यूज तक हमारा हो गया है। इन माय नेक्स्ट लेक्चर पार्ट टू ऑफ दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन वी विल प्रोसीड विद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग। आई होप कि मैंने जितना अभी तक आपको एमसीक्यूज पढ़ाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।